गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का क्लास लेक्चर, एटम मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 32। और हम लोग का एटम मॉलिक्यूल्स जो है क्लास नाइन्थ का चल रही है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ये मेरा हो गया व्हाट्सएप नंबर, ये हो गया मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर, उससे दोनों पे नंबर लगेगा। आप किसी भी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है हमारे वीडियो लेक्चर में, तो प्लीज़ आप बिना कुछ हिचकिचाए हुए आप हमें अवश्य फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि एट ए टाइम आपका सोल्यूशन दिया जाए, लेकिन हाँ, एट ए टाइम सोल्यूशन तब दिया जाए तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। यदि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो उसमें सॉल्यूशन देना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप में देख नहीं पाता हूँ टाइमली और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसे प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर फ़ोन कीजिए ताकि रिप्लाई मैं दे सकूँ। और कोशिश फ़ोन कीजिए, जब भी फ़ोन करें तो 10 बजे के बाद फ़ोन कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रही है और लॉकडाउन जान रहे हैं आप भी, थोड़ा सा इंसान लेट से उठता है, इसी कारण आप ध्यान रखिए। चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। बस वही चीज़ हम लोग का है, इस बार भी वही पढ़ेंगे, था स्टेप चेंज हो जाएगा हम लोग का। जैसे क्या, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहला देखिए, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। मीन्स क्या, जिस भी कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का यदि परसेंटेज निकालना रहता है तो सबसे पहले हम करेक्ट फार्मूला लिखते हैं उसका। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सल्फ्यूरिक बोल दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया जाए, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले क्या कीजिए, करेक्ट रूप से फॉर्मूला लिखिए। और फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। या आपको बोल दिया जाए कि पोटासियम डाइक्रोमेट लिखिए, पोटासियम डाइक्रोमेट लिखिए, तो क्या होगा, K2Cr2O7 हो जाएगा। कहने में क्या, जो आपको बोल रहा है बस वही मुझे करना है, ये कह रहा है तो ये लिखेंगे। तो सही सही क्या करना है, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना है। जब केमिकल फॉर्मूला सही सही लिख दिए तब हम लोग स्टेप टू में आएंगे। देखिए क्या है, ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, कि जो कंपाउंड का आपने मॉलिक्यूलर जी करेक्ट फॉर्मूला लिखा है, सही से फॉर्मूला लिखा है, जिस भी कंपाउंड के बारे में बोला जाए यदि आपने सही सही फॉर्मूला लिख दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जब मॉलिक्यूलर मास निकल जाती है तब ऑफ कंपाउंड बाय एडिंग द टोटल एटॉमिक मासेस। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, टोटल एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब देखिए क्या है स्टेप थ्री में, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो अब जब मास निकल गया, मॉलिक्यूलर टोटल मॉलिक्यूलर मास निकल गया और प्रत्येक एलिमेंट का मास निकल गया, तब लगाएंगे हम लोग कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला रिलेशन, जो नीचे रिलेशन लोग का दिया हुआ है। देखिए क्या रिलेशन है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड। मीन्स क्या, वन मोल कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, डिवाइड क्या कर देंगे, मोलर मास कंपाउंड इनटू 100। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और हर एक का देखिए क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है। देखिए, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
इन कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दिया है, व्हाट इज द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होगा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो देखिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले पहला स्टेप देखिए। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था याद कीजिए, पहले स्टेप में मैंने बोला था आपको कि सही सही केमिकल फॉर्मूला लिखिए, करेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब देखिए दूसरा स्टेप आइए, ये स्टेप पर टू है, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में देखिए क्या है, मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास कैसे निकाल, देखिए आपको निकालना स्टार्ट में ही मैं सिखा चुका हूँ मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब फिर से, तो सबसे पहले हम एटम निकालते हैं, कैल्शियम का कितना एटम है, तो वन एटम है, और वन एटम कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, इसलिए हम लोग क्या दिए 40 ग्राम। अब कार्बन है, वन एटम कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, इसलिए हम लोग 12 ग्राम दिए। और ऑक्सीजन देखिए है, और एक एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, और तीन दिया हुआ है 48 48 ग्राम हो गया। जब टोटल को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करेंगे टोटल को ऐड करेंगे, तो टोटल को ऐड करने के बाद वो हो जाता है कितना 100 ग्राम हो जाता है। कहने की मीन्स क्या, यदि 100 ग्राम हो गया इसका मतलब क्या, इसका मोलिकुलर मास हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है मोलिकुलर मास हो गया। तो अब कहते हैं मोलिकुलर मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। अब यदि निकालना चाहते हैं किसका, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का, किसका निकालते हैं हम चाहते हैं निकालें किसका परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ क्या, कि मास ऑफ कैल्शियम इन वन मोल ऑफ CaCO3, कि CaCO3 का वन मोल लेना है उसमें कैल्शियम का मास कितना है वो लेंगे। तो देखिए एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास दे दिया कितना 40 ग्राम, क्या दे दिया है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और मोलर मास ऑफ CaCO3, तो CaCO3 का मोलर मास कितना दिया है, मोलर मास बोलिए या मोलिकुल्स मास बोलिए, कितना 100 ग्राम दिया हुआ है। तो 40 × 100 जो कैल्शियम का मास है उसका मास कट गया, और मोलर मास ऑफ CaCO3, तो CaCO3 का जो टोटल मास है वो नीचे दिए हुए, जब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 ग्राम, ये सॉरी 40% हो जाएगा। मतलब क्या, इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का जो मास है टोटल मास का 40% क्या है 40% है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, कार्बन का यदि कितना परसेंट है 12 ग्राम है, जब कार्बन का 12 ग्राम दिया हुआ है तो वही लिखा है मास ऑफ कार्बन इन वन मोल ऑफ CO3, मीन CaCO3 में कार्बन का मास कितना है 12, हम लोग 12 ग्राम लिखे, और टोटल मास तो आपने निकाल चुका था ना कितना 100 ग्राम, तो वैल्यू पुट कीजिएगा हो जाएगा 12 ग्राम। अब देखिए निकालना चाहते हैं किसका, ऑक्सीजन का, देखिए कैसे निकलेगा ऑक्सीजन का, कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास लिखना है कितना 1 मोल ऑफ CaCO3, CaCO3 का 1 मोल लेकर उसका मास क्या करना है लिख डालना है। वो लिखने के बाद हम लोग क्या मोलर मास टोटल मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे टोटल मास, या मुसी बोलते क्या मोलर मास ऑफ CaCO3, तो मोलर मास कितना दिया हुआ है 100 को दिया हुआ नहीं मैं निकाल चुका हूँ 100 × 100 तो कितना 40 है। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट का मास हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आते क्या आते हैं, अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है,
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इन ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको क्या करना है, इस सब नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है। इस नीचे दिया हुआ क्वेश्चन में प्रत्येक एलिमेंट, जैसे क्वेश्चन में पहला में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन है, तो प्रत्येक एलिमेंट का मास निकालिए, आप खुद निकालिए, क्या निकालिएगा, मास निकालिए। यदि हमारे इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है, ये सब में किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप जरूर फोन कीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, हो सकता है इसमें डाउट दिक्कत होता होगा, मैं एक बार फिर करता हूँ, देखता हूँ। देख क्वेश्चन क्या है, NH4 का होल 2SO4। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या देखेंगे, मतलब कौन कौन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। नाइट्रोजन देखिए ब्रैकेट लिया गया है, मीन्स नाइट्रोजन इससे भी मल्टीप्लाई है 2 और इससे मल्टीप्लाई है। नाइट्रोजन 2 एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है, सल्फर का कितना एटम है, 1 एटम है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 एटम है। तो ये एटम निकालने के बाद मोलिकुलर मास निकालिए, मास निकालिए, तो नाइट्रोजन का होता है 14, 2 एटम है, कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, सल्फर का 32 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का चलती है 64 ग्राम हो जाएगा। जब सबको ऐड कीजिएगा देखिए कितना होगा, 4, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 6, 4, 12, 14, 14, 4, 18, 1, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 12, 6, 18, 12, 2, 11, 11, 12, 18, तो क्या 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 12, 18 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 128 ग्राम हो गया। अब निकालना चाहते हैं किसका परसेंटेज, किसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 का होल 2SO4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन देखिए कितना दिया है, 428, नाइट्रोजन देखिए कितना दिया, 28 दिया है, तो जाएगा 28 डिवाइड बाय 128 इनटू 100, इसको हल कर दीजिए, 2800 डिवाइड 128% निकल गया आंसर। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन का, क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड टोटल मास, टोटल मास इंटू जाएगा कितना हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा देखिए 4/128%। यदि निकालना चाहते हैं सल्फर का, सल्फर का मान दिया 32/ कितना 128/100। यदि निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन का कितना हो गया 64/128/100, इसको हल कर दिया आंसर निकल जाएगा। यदि आप लोग इस हमारे वीडियो लेक्चर में आपको डाउट है प्लीज़ आपने अवश्य फोन कीजिए। बाय बाय।